सिसक के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना। विनेश तुम निराश न हो, गोल्ड मेडल का सपना टूटना सब कुछ खत्म होना नहीं होता। तुम अभी अस्पताल में हो, गोल्ड की निराशा केवल तुम्हें नहीं हम सभी को है। तुम्हारा दुख हम सबका है। हम 140 करोड़ भारतीय तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्दी अस्पताल से ठीक होकर आओ, रिंग में लौटो और नए सिरे से सपने को जीना शुरू करो। बस ये ख्याल रखना, इस बार जो गलती हुई वह दोबारा नहीं हो। विनेश फोगाट्स did something that people don't do. Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Demission Gagan Narang through the night to ensure that she could meet the competition requirements. To sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion. And this is counterproductive to participation. So, most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods. And these are usually given after the weigh in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific. And Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. तुम्हारी तस्वीर देखी, इसमें तुम टूटी हुई नजर आ रही हो, मगर याद रखो अब भी तुम पर पूरे देश को गर्व है। जी हाँ, विनेश फोगाट इतिहास रचने से चूक गई है। भारत के हाथ रेसलिंग में गोल्ड मेडल आते आते रह गया। विनेश को महज कुछ ग्राम वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश फोगाट भारत की स्टार रेसलर है। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं भाई। तो जो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी आज, और खुशी का दिन था। जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसी ऐसी तैयारी कर रखी थी, और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरे कहने बल्ले नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी ऐसी बात हो। वह जो संगीता टेल में था, वह रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का। ये 100 ग्राम का जो फर्क है, क्या कुश्ती में ही जायज है? जो रोल से क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है, जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम तो उसमें बस लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं, तो ये क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वो जो बात करेंगे बजरंग आर्य सर्व से मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस, और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी, बट खेल नहीं पा रही है फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाए, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो जरूर होगी। 50 किलोग्राम महिला वर्ग के रेसलिंग के फाइनल से वह बाहर हुई है। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया।
भारतीय कुश्ती और देश के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के बेहद करीब थी। उनका वजन महज 50 से 100 ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में विनेश फोगाट अफसोस करती और दुखी नजर आ रही। अभी विनेश को ऐसा लग रहा है जैसे उनका पूरा सपना ही चकनाचूर हो गया। वह जमीन पर बैठी और रोती नजर आई। देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली है, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी। इस तस्वीर में समझा जा सकता है कि अभी विनेश फोगाट के दिल पर क्या बीत रही होगी। वह भी तब जब वह गोल्ड जीतने के महज एक कदम दूर थी, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब विनेश को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर वह गोल्ड मेडल जीतती तो भारत के लिहाज से यह बड़ा कीर्तिमान होता। मंगलवार हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत ही करना चाहिए था, अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? जी बेइंसाफी जो हुई हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहां पे, आईओसी की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। और तकनीकी कारण, लेकिन मुझे तो गर्व है क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश से, जहाँ से मेरी एक बेटी विनेश फोगाट आती है, जिसने पूरे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, हमें उस पर गर्व है। लेकिन आज इस तकनीकी चूक के कारण आज पूरा देश सदमे में, हम बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। विनेश फोगाट के साथ पूरा देश है। विनेश से हमें गोल्ड की आशा थी, लेकिन अचानक से इतना निराशाजनक समाचार आता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसके वेट को लेकर के, ठीक है, हर प्रतियोगिता के पहले वेट होता ही है, लेकिन अचानक से कैसे विनेश का वजन बढ़ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई, इसके तह में जाना जरूरी है। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की विनेश फोगाट, बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहां पे रेसलिंग में, और वो भी जिसको हराया है, वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी, उसी बीच में खबर आई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, या पूरे जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे, कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। यही वजह थी जिसके बाद 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीत लेती तो यह भारत के लिए बड़ा रिकॉर्ड होता। विनेश फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान थी जो ओलंपिक के किसी वर्ग के फाइनल में पहुंची थी।
पुरुष वर्ग में सुशील कुमार और रवि दहिया को ओलंपिक फाइनल खेलने का अनुभव है, लेकिन ये दोनों रजत पदक ही जीत पाए थे। ऐसे में विनेश के पास कुश्ती में देश का पहला गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, मगर अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। विनेश, आपकी मजबूती के लिए पूरा देश आपके साथ है। इनको मजबूत और सांत्वना के लिए देश के सेलिब्रिटीज और नेताओं ने ट्वीट किया और कहा, विनेश आप दुखी न हो, आप शेरनी हो, हम आपके साथ हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया है